गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 18 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 128। पहला है, भारत के नए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बन गए हैं? तो भारत के नए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी बन गई हैं। कैसे बन गई? तो इसका रीजन है कि पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है वह मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, लेकिन उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह पूरा हो चुका है। पूरा हो जाने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा है और इसी कारण से ये मंत्री पद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसको सौंप दिया गया है? स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया है। तो याद रखिएगा कि स्मृति ईरानी जो है कि नए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बन गई हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा मंत्री पद है? तो स्मृति ईरानी के पास पहले से बाल एवं महिला विकास मंत्रालय है, ठीक है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न भी है कि भारत के नए केंद्रीय इस्पात मंत्री किसे बनाया गया है? सेम रीजन है। तो भारत के नए केंद्रीय इस्पात मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। पहले कौन थे? तो पहले थे रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये पहले केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल इनका भी पूरा हो जाने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा और वर्तमान में नए केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न और है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले से कौन सा मंत्रालय था? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, यानी पहले से ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री थे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा औसत कितनी रह जाएगी? यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा औसतन 71 वर्ष रह जाएगी। याद रखिएगा, औसत जीवन प्रत्याशा जो है कितना रह जाएगा? 71 वर्ष। ये किसका रिपोर्ट है? तो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट जारी किया करता है, उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। इस बार जो जारी किया है 2022 है, उसी के अनुसार औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष वर्तमान में है और दुनिया की आबादी साल 2022 के अंत तक इसी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार 8 अरब हो जाएगी। दुनिया की आबादी कितनी हो जाएगी 2022 के अंत तक? 8 अरब हो जाएगी। और इसी रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत की आबादी वर्ष 2023 में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये 2022 का है। तो 2022, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? तो प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वह दिल्ली में बनाया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। आइए नेक्स्ट है। हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीत लिया है। पीवी सिंधु ने यह खिताब किसको हराकर जीता है? तो पीवी सिंधु ने यह खिताब चाइना की वांग जीई को हराकर जीत लिया है। किसको हराकर? चाइना की वांग जीई को हराकर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आइए नेक्स्ट है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL का प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है?
तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नए एमडी जो है राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए MD और CEO किसे बनाया गया है या कौन बन गए हैं, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO आशीष कुमार चौहान को बनाया गया है। आशीष कुमार चौहान किसका स्थान लेंगे, तो विक्रम लिमये का स्थान लेंगे आशीष कुमार चौहान। तो याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO आशीष कुमार चौहान बन गए हैं, जो विक्रम लिमये का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में WAC में पुरुषों के लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो पहले भारतीय बन गए हैं मुरली श्रीशंकर। क्या है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल्स में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए, लंबी कूद के फाइनल्स में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्रीशंकर बन गए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2022 में पेशा कानून को लागू करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी प्रदान की है, तो पेशा कानून के ड्राफ्ट रूल्स के लिए मंजूरी किस राज्य सरकार ने प्रदान की है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये मंजूरी प्रदान की है। तो ये पेशा कानून PESA पेशा कानून है क्या या पेशा एक्ट क्या है, तो पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इसका पेशा का जो है फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब हुआ जनजातीय समूहों के बीच आम सहमति पर आधारित स्वशासन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज्य व्यवस्था ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम नाम बोल रहा हूँ, पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, पेशा का फुल फॉर्म हुआ हिंदी में पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यानी पेशा एक्ट बनाया है। यह एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लाया गया था और वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है पेशा कानून को लागू करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स को मंजूरी प्रदान की है। आइए नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक रिपोर्ट जारी किया है, तो ये जारी किया है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP न्यूयॉर्क ने। क्या है कि किस संस्थान ने, तो UNDP ने भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री नामक रिपोर्ट जारी किया है। तो याद रखिएगा, ये रिपोर्ट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में रुद्र राहुल कुशवाहा ने, ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, हाल ही में रुद्र राहुल कुशवाहा ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेलीवेट टैग चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वे बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं या निवासी हैं, तो जो रुद्र राहुल कुशवाहा है वो बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। आपको याद होगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उसी बक्सर के रहने वाले हैं रुद्र राहुल कुशवाहा। ठीक है, और आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संचालन जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संचालन जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में जब आपकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, 21,000 रुपये जो है वह सरकार की ओर से प्रदान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि वह 18 वर्ष तक
अविवाहित रहना चाहिए। विवाहित हो जाने के बाद यह राशि उनको प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और नियमित रूप से चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।